हे एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बेनिफिशियल वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और ये वीडियो आपके लिए इतनी बेनिफिशियल, इतनी प्रॉफिटेबल होगी कि आपका जो एक तरीका है सोचने का वो जरूर बदलेगा इंग्लिश के लिए। तो ये वीडियो पूरी है इंग्लिश के बेस्ड पे। तो इंग्लिश आप कैसे अपनी वोकैबुलरी इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, तो ये दिल्ली सरकार की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है इंग्लिश के बारे में। तो यहाँ पे दो तरीके के कोर्सेज हैं आपको, पर्सनल डेवलपमेंट के कोर्स हैं, ये इंग्लिश डे का कोर्स है, इंग्लिश ई करके नाम से और पीडी के नाम से है। तो दोनों कोर्स 10 डेज के लिए बिल्ड किए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो इस कोर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा फोन पे ले जाके। ये तरीका क्या है, इसमें तरीका बताया गया है इंग्लिश को आप कैसे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं और कैसे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश अपने लाइफ में अच्छे से उतार सकते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि इस समय इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनल डेवलपमेंट, ये दो चीजें जो सॉफ्ट स्किल है, सॉफ्ट स्किल का आना बेहद जरूरी है। अगर आप में सॉफ्ट स्किल नहीं है तो इंटरव्यू में आपको ये जो चीजें हैं ये काफी मदद करती हैं। अगर आप सॉफ्ट स्किल में मैच्योर नहीं है, सॉफ्ट स्किल नहीं आती आपको या कम आती है, आपकी अच्छी नहीं है सॉफ्ट स्किल, तो इंटरव्यू क्रैक करना या कंपनीज में जाना, मल्टीनेशनल कंपनीज में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सॉफ्ट स्किल से ही पता लगता है, एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी पता लगती है, वो व्यक्ति कैसा है, कैसे बात करता है, कैसे सोचता है, कैसे बोलता है, कैसे कम्युनिकेट कैसा करता है, कैसे सिंपैथी, कैसे फीलिंग अंडरस्टैंड कर सकता है, दूसरों की एम्पैथी कैसी है उसकी, ये सारी जो चीजें हैं इस कोर्स में समझाने की और बताने की और बच्चों को लर्न करने का एक तरीका दिया गया है। तो ये कोर्स मैं आपको फोन पे तो दिखाऊंगा, ये कोर्स आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री में इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कोर्स दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। तो इस कोर्स में आपको मैंने जैसे बताया पर्सनल डेवलपमेंट और इंग्लिश स्पीकिंग के दो पार्ट्स अलग अलग दिए हुए हैं, दोनों को आप समझेंगे, दोनों को आप तरीके से फॉलो करते हैं, 10 डेज 15 डेज तक इसको सही से करते हैं, तो आपकी जो स्पीकिंग है, आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो काफी बेहतर होती जाएंगी। तो ब्रिटिश काउंसिल के साथ कोलैब करके ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है केवल स्टूडेंट के लिए। तो आप फोन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलते हैं फोन की तरफ और देखते हैं ये कैसे काम करता है, आप कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, दोनों को जाके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब चलते हैं फोन की तरफ, फोन की तरफ आ चुके हैं। तो मैं आपको दो कोर्सेज बता रहा था, ये स्टूडेंट के लिए कोर्सेज काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बेनिफिशियल हैं ये कोर्सेज में आप। तो ये कोर्सेज के जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप इन कोर्सेज को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं से भी इसको सर्च कर सकते हैं, कहीं से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, टैबलेट पे, पीसी पे, लैपटॉप पे, स्मार्टफोन में, कहीं से भी आप इन कोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पहला कोर्स है, उसको मैं दिखाता हूँ और फिर सेकंड कोर्स की तरफ हम चलेंगे। तो softskill.macmillaneducation.in, तो ये जो कोर्स है वो दिल्ली गवर्नमेंट का कोलैब किया गया है मैकमिलन एजुकेशन ब्रिटिश काउंसिल के साथ। तो ये काफ़ी बड़ी संस्था है और एक एजुकेशन में चिल्ड्रंस की काफ़ी मदद करती है। तो ये इंग्लिश, ये एवरीडे इंग्लिश का जो कोर्स है टाइम मेरा खुल चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन देख रहे होंगे, एवरीडे इंग्लिश एक्टिविटी, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो पहले पे हम चलते हैं और उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपको एआर रहमान की कुछ आपको 5 एक्टिविटीज़ दे रही है। तो एआर रहमान आप जानते हैं म्यूजिक कंपोज़र, काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी फेमस हैं। तो यहाँ पे पहली एक्टिविटी पर चलते हैं, सेकेंड पर क्लिक हो गया, पहले फर्स्ट क्लियर करते हैं फिर सेकेंड। तो इसमें क्या है कि आपको लिसन केयरफुली टू दिस शॉर्ट ऑडियो द फेमस म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान एंड सेलेक्ट द आंसर टू द गिवन क्वेश्चन, वेन एंड वेयर वॉज ए आर रहमान बॉर्न। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑडियो एक सुनाएंगे, उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन वो मिलेगी और उसके बाद आप इन मल्टीपल क्वेश्चन को क्लिक करेंगे। तो मैं ऑडियो आपको सुनाता हूँ, फिर हम चलते हैं सेकेंड ऑप्शन पर देखेंगे और ऐसे ही हम सारी जो चीज़ें हैं वो देखेंगे। तो चलते हैं, ऑडियो सुनते हैं। Allah Rakha Rahman was born A.S. Dilip Kumar on January 6, 1966 in Chennai. He started learning the piano at the age of 4 and joined Ilaiyaraja's troupe as a keyboard player at the age of 11 to support his family after his father's death.
He dropped out of school and traveled all around the world with various orchestras. तो आपने ऑडियो सुनी, समझी, अब हम आंसर करते हैं. तो सबसे पहले ही ऑडियो में बोला था जैन 6, 1966 इन चेन्नई. जो बॉर्न हुए हैं ए आर रहमान, उनका नाम पहले कुछ और था, फिर बाद में चेंज हो गया. तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन टिक भी आ चुका है. सेकंड क्या था कि उनने पहला जो म्यूज़िक है 1992 में कंपोज किया था, या 1982 में किया था, 1987 में किया था, ये देख रहे हैं. तो ये आपको केयरफुली सुन के ही आपको लगाना है. तो मैंने रेंडमली लगा दिया केवल आपको दिखाने के लिए रॉन्ग राइट कैसे होता है. तो ये इस तरीके से एक्टिविटी है, तो ये लिसनिंग एक्टिविटी है, और इससे आपकी जो लिसनिंग पावर है वो बेहतर होगी इंग्लिश में. तो दूसरी एक्टिविटी के साथ चलते हैं, इससे आप काफ़ी अच्छा सीख सकते हैं. फिर नेक्स्ट करेंगे तो पूरा जो ऑडियो है बार बार भी सुन सकते हैं, और उसके बाद सुनते हैं फिर आप आगे जो है वो मूव कर सकते हैं. सेकंड एक्टिविटी में आपको क्या मिलता है, इसी तरीके से आपको रीड द पैसेज गिवन इन अटैचमेंट. तो अटैचमेंट ये रही, ये रहा पैसेज, उसका ये पैसेज पढ़ के आपको आंसर देना है. तो ये एक्टिविटी इतनी बढ़िया है कि आपकी जो इंग्लिश है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी और काफ़ी मददगार होगी. फिर थर्ड एक्टिविटी में चलेंगे तो आपको कोई ये देखेंगे तो जया वांट्स टू टेक म्यूजिविटी कंप्लीट कर सकते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही दिन में सब कंप्लीट करना है, धीरे धीरे आपको एक्टिविटीज़ को करना है और समझना भी है कि एक्टिविटी कैसे काम करती है. अब वोकेबलरी पे चलते हैं, तो वोकेबलरी में आपको कैसे वोकेबलरी आपकी बेहतर होगी. तो यहाँ पे आपको एक या दो वर्ड मिल रहे हैं, तो यहाँ पे एक्नॉलेज और एडमोनिस्ड ये दो वर्ड हैं. तो अगर अब यहाँ पे ये आपको जो लेआउट है वो कुछ इस तरीके का, अगर आपको लेआउट चेंज करना है तो आप थीम के ऑप्शन पे जाएंगे, डिफ़ॉल्ट थीम, थीम टू, इस तरीके से आप किसी भी थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से जो भी आपको पसंद आ रहा है वो कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप लास्ट व्यू, तो मैंने कुछ देर पहले ये सारे वर्ड देखे थे, तो ए से हम चलते हैं ए पे. तो ए के दो वर्ड आपको यहाँ पे सीखने को मिल रहे हैं, एक्नॉलेज और एडमोनिस्ड. तो एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, तो अब एक्नॉलेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एनिमेशन के साथ देख सकते हैं, एनिमेशन में आपको दिखा रहा है येस आई एक्सपेक्टेड. एक्सपेक्टेड मतलब एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेड का जो है एनिमेशन से कुछ फील आ रहा है. एनिमेशन को बड़ा करके देखना है तो आप बड़ा करके देख सकते हैं. तो यहाँ पे आप एक्नॉलेज का मतलब क्या है, तो अगर आपको ये वर्ड बोलना नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे स्पीकर है वो ऑन कर सकते हैं, और उसके बाद स्पीकर से आपको जो साउंड है वो आ जाएगा. तो ये साउंड मेरा अभी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने जो है बंद कर रखा है स्पीकर. मीनिंग क्या होती है एक्नॉलेज की, तो मीनिंग होती है टू से दैट यू एक्सेप्ट द ट्रूथ अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ को मान लेना, एक्नॉलेज करना, ये आप इसका जो मतलब है वो होता है. फिर यहाँ ये इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, एक इस्तेमाल करके भी दिखाया है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्नॉलेज योर मिस्टेक, आपकी परेशानी को देखना थोड़ा मुश्किल है. फिर इसका जो अपोजिट है वो क्या होता है, एंटोनिम्स, डिनाय करना, सिनोनिम, परिभाषित दिया हुआ है. तो इस तरीके से आप यहाँ पे वोकेबलरी अपनी बेहतर कर सकते हैं. मान लीजिए आपको कोई और जी का देखना है तो जी के दो ग्लिम्स, ग्लम्प, ये जो दो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं. यहाँ पे आप मीनिंग देखेंगे ग्लिम्स की तो दिया हुआ है, यहाँ पे ट्यूबलाइट मतलब ब्राइट कुछ, अ ब्रीफ और अ क्विक व्यू ऑफ लुक. तो इस तरीके से वोकेबलरी भी काफ़ी अच्छे रहेंगे. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आपको रीडिंग का जो मटेरियल है वो मिलता है. अब यहाँ देखेंगे माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन अब कॉम्प्रिहेंशन, एक एक्टिविटी आपको यहाँ पे देखेंगे तो मिल रही है, ये आप पूरा पढ़ सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, और यहाँ पे आंसर भी आपको मिल रहा है. अभी आप आंसर पहले ना देखें, क्वेश्चंस के आंसर करें उसके बाद आंसर देखें, तो आपको पता लगेगा कि आपने कितने अच्छे से ये जो आंसर है वो लिखा हुआ है. तो इस तरीके से आप कर सकते हैं. तो डे 10 तक, डे 9, डे 8 ऐसे भी आपको कंप्लीट करना है. अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे, ये ऑप्शन तो आपने देख लिया, और यहाँ से आपसे ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, तो वन बाय वन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो यहाँ पे पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट जो मैंने PD के फॉर्म में आपको बताया था वो मिलता है. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरे एक महीने का जो है वो दिया हुआ है, और उसके बाद पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इसी तरीके से आपकी जो सॉफ्ट स्किल का भी था. तो यहाँ पे आप देखेंगे जो एवरीडे इंग्लिश में भी आपको ये ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे आप
पहले दिन, दूसरे दिन, जितने भी दिन आप कंप्लीट करते जाएंगे और उसके बाद आप एनरोल के ऑप्शन पे क्लिक करते जाएंगे, तो आपका जो ऑप्शन है वो घर बैठे बैठे ये देखेंगे। तो पहला तो एक्सेस योर इंग्लिश, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन इंग्लिश लेवल टेस्ट ये सब आपको मिल जाते हैं, टेस्ट भी मिलते हैं। तो ये पूरा जो है पूरा अच्छे तरीके से बनाया गया है ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से, और ये आप बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा था पीडी के, तो पीडी में आपको देख लेंगे तो यहाँ पे एम्पैथी है, एम्पैथी वीडियो है, एम्पैथी एंड सिंपैथी वीडियो। एम्पैथी मतलब किसी की फीलिंग को आपको, ये डाउनलोड कर लेते हैं फाइल, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देखेंगे तो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है, और यहाँ पे आप एम्पैथी का मतलब सीखेंगे, एम्पैथी क्या होता है। तो एम्पैथी इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर अंदर पर्सनल फीलिंग एंड इमोशन। इट इज़ द असेंशियल टू बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप टू योर पर्सनल लाइफ। पीपल हु डोंट एग्जिबिट सिंपैथी आर व्यूड एज द अनफीलिंग एंड सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड दे आर ऑफन लेड आइसोलेटेड लिव। तो एम्पैथी का जो पूरा मतलब है वो आपको बताया गया है। तो अब हम एम्पैथी वीडियो पे क्लिक करेंगे, तो वीडियो को हम क्लिक करते हैं तो यूट्यूब पे आपकी जो एम्पैथी की वीडियो है वो मैकमिलन एजुकेशन की तरफ से खुल जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे, अब मैं आपको मेन पेज दिखाता हूँ जो पूरा ही पूरी चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। तो इसके होम पेज पर चलते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैकमिलन education.in है सॉफ्ट स्किल की, वो पूरी वेबसाइट खुल गई। आप यहाँ पे आपको पूरा खजाना मिल जाता है। तो मैंने यहाँ से दो चीज़ें आपको पिक करके दिखाई थी। अब यहाँ पे अगर आप आ गए तो यहाँ पे इंग्लिश एवरीडे के ऑप्शन पे जाके आप सारी चीज़ देख सकते हैं। 30 डे का पूरा जो है 30 क्लासेस हैं वो सब आपको मिल जाती है। Day 1 में आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, Day 2 में अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे मैंने आपको पहले दिखाया। और इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी स्किल्स हैं, अपनी जो कम्युनिकेशन है, अपनी जो वोकैबलरी है, अपनी स्पोकन इंग्लिश है, वो सारी चीज़ बेहतर कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे ऐसी वीडियोस और हमारी जो कंट्री है, हमारी जो यूथ पीपल है, हमारा जो स्टूडेंट पीपल है, जो हमारे स्टूडेंट है, वो बेहतर हो सके, अच्छे अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। हमारी जो कंट्री है यंगेस्ट कंट्री है, तो इसका फ़ायदा उठाना है और हमें अपने आप को बेहतर करना है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगने के साथ इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। तो गैजेट्स प्रिंसिपल को सब्सक्राइब के साथ बेल का आइकन दबाएं। धन्यवाद।